बिल्ली का बकरा बनाना चाहता है और हम कोर्ट चले गए, कोर्ट ने ऑर्डर इश्यू किए, उन ऑर्डर्स को पार्शियली इम्प्लीमेंट किया जाता है और कोर्ट में जवाब नहीं भरा जाता है। मैं हाई कोर्ट से गुजारिश करना चाहता हूँ, आपके ऑर्डर्स के ऊपर यहाँ पे चीफ इंजीनियर अपनी मनमानी कर रहा है, मेहरबानी करके आप कोर्ट बंद करें, चीफ इंजीनियर के हवाले सब कुछ किए, यही यहाँ से शुरू करेगा। और मेरी सरकार से अपील होगी, पिछले 3 महीने की तनख्वाह इसे पेटिशनर्स में आधे पेटिशनर्स की तनख्वाह दे दी, आधे पेटिशनर्स की तनख्वाह नहीं दी, आधे मुलाजमीन की तनख्वाह दी, आधे मुलाजमीन की तनख्वाह नहीं दी। इसलिए ऐसा किया गया ताकि मुलाजमीन के अंदर फूट डालो और राज करो, ऐसी पॉलिसी इख्तियार की गई जिसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि तहकीकाती कमीशन बिठाया जाए जो ये देखे ये नाकाबिल है, ये नाअहल है, ये नाकारा है कि नहीं, ये यहाँ के छोटे दर्जे के मुलाजमीन, छोटे दर्जे के मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उनकी तनख्वाह इसने बंद करके रखी है कि नहीं करके रखी है, हमारे जो मुलाजमीन है फगा कशी के शिकार है क्योंकि 3 महीने की तनख्वाह बंद है, उनके एलआईआर फगा कशी के शिकार है और उनके जो पेशेंट है चाहे वो डायलिसिस पेशेंट है चाहे कोई कैंसर पेशेंट है वो उनके पास दवाई के लिए 1 पैसा नहीं है, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और ये ऊपर वाजवान का मजा ले रहे हैं। अफसोस है इस बात का, सरकार इस पे गौर करे, अगर सरकार ने इस पे गौर नहीं किया तो हमने फैसला कर लिया है 2 अक्टूबर को हम 2 अक्टूबर को हम प्रेस कॉलोनी श्रीनगर से निकलकर इफ्तिखार अहमद वानी साहब के घर का घेराव करेंगे। सजाद साहब यू आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग इट, लाइक आप कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर रहे हैं, आज क्या मेन मुद्दा यही है दैट योर सैलरी इज पेंडिंग फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स? आप रुको, आप कोई बात नहीं, आप कैसे थोड़ा साइड जैसा कि आप देख रहे हैं सिंबॉलिक प्रोटेस्ट रजिस्ट्रेशन हो रही है चीफ इंजीनियर्स के कम्प्लेक्स के अंदर और हम अपने मुतालबात के हवाले से सराबा एहतजाज है, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आज मुख्तलिफ किस्म का एहतजाज है, आप देख रहे थे आज तक हम इल्जाम लगा रहे थे और वो सही भी था कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हमारी रेगुलराइज अमल में नहीं लाई गई, मिनिमम वेज एक्ट का इतराक नहीं किया गया, लेकिन आज यहाँ की सरकार ने तनख्वाह रिलीज किया, यहाँ के तानाशाह जनाब चीफ इंजीनियर पीएचई कश्मीर ने ना मालूम वजूहात पे बिला जवाज हमारी तनख्वाह रोकी है और जिसके नतीजे में हमारे जो आलायाल है फकर कशी के शिकार है, दर दर की ठोकरे खा रहे हैं, हमारे जो जो हमारे पेशेंट है चाहे सी आई पेशेंट कोई है चाहे कोई डायलिसिस पेशेंट है वो एक एक टीके के लिए तरस रहा है, लेकिन ये ऊपर वाजवान का मजा ले रहे हैं और अपनी नाकाबिलियत और नाअहलियत को छुपाने की खातिर यहाँ के डेली वेजर उसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सर, हम उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और सरकार से अपील करना चाहते हैं कि सरकार ने मरकजी सरकार ने जो पैसा वहां गुजारिया है चाहे लैंग्वेज के साथ चाहे जेजीएम के साथ और उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जेजीएम के तहत 9% सूद देना है पीएचई कश्मीर को जिसे तकदीर बदल सकती थी, 5,500 करोड़ रुपया अगर यहाँ पे खर्च किया जाता तकदीर बदल जाती और हमारे मुलाजमीन को भी यहाँ के आवाम की गैस गजब और नाराजगी का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन खर्च करने वाले एक बहाना करके दूसरा बहाना करके खर्च नहीं करते। सजाद साहब आप अभी स्कैम्स की बात कर रहे थे तो पुलिस क्या बताना चाहेंगे? देखिए जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा इनका चिता खोल दिया जाएगा, इस वक्त हम अपने तनख्वाह का मुतालबा कर रहे हैं, इनसे कह रहे हैं कि जो अदालती उस्मा ने ऑर्डर्स इशू किए उन अदालती उस्मा के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको मैं कंप्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऐलान कहा उसमें हम डॉक्यूमेंट का सबूत भी दे देंगे आपको, सब कुछ आपके सामने रखेंगे, इस वक्त हम तनख्वाह का मुतालबा कर रहे हैं, हमारे आलायाल फगा कशी के शिकार है और कसम पुरुष की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। आप तनख्वाह के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आपने चीफ इंजीनियर से इस बारे में बात करी की क्यों तनख्वाह? आपने क्या उनके पास बात करी? कई बार हमने बात की तो वो पैसे मास नहीं हुए। तनख्वाह बंद करने की क्या वजह कह रहे हैं? वो वजह बिला जवाब वो तनख्वाह बंद कर रहे
रहे हैं, हम कोर्ट भी चले गए और कोर्ट ने ऑर्डर्स भी इशू किए। उनको आधे मुलाजमीन को तनख्वाह दिया जा रहा है, आधे लोगों को बंद किया जा रहा है। जो पिछले 20 साल से तनख्वाह ले रहे हैं उनकी तनख्वाह आज ये बंद कर रहा है, अपनी नाकाबिलियत और नाअहलियत को छुपाने के लिए और सरकार और आवाम की तवज्जा हटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सरकार से हमारी अपील है कि इस पर तहकीकात की जाए। अगर सरकार इसकी तहकीकात नहीं करती है तो हमने फैसला कर लिया है 2 अक्टूबर को हम प्रेस कॉल से निकल कर चीफ मिनिस्टर के घर का घेराव। Mudabar, 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 mud